हमारे साथ में है लाखन जी, जो कि भरतपुर से हमारे पास में आए हैं। इनको स्पाइन की मल्टीपल समस्या थी, पहले इनसे जानते हैं कि समस्या क्या थी और इनको कितना आराम मिला। लाखन जी, क्या क्या दिक्कत थी आपको? सर, मेरे गर्दन में प्रॉब्लम थी। अगर गर्दन को इधर घुमाता था या इधर घुमाता तो चक्कर आने लग जाते थे। और एक मेरे कमर में प्रॉब्लम थी, और जो लेफ्ट पैर है इसमें दर्द रहता था, नीचे तक दर्द जाता था, नीचे तक जाता था और नीचे जलन होती थी। कब से आपको दिक्कत थी सारी? सर, 2.5-3 साल हो गई मुझे। 2.5-3 साल हो गए आपको? और 2.5-3 साल में क्या क्या इलाज लिया आपने इसके लिए? इलाज तो सर मैंने बहुत लिया, भरतपुर में मैंने बहुत दिखाया है, MRI वगैरह कराई थी, लेकिन मुझे दवा भी बहुत खा लिया, अब दवा खाने का मन नहीं करता है। कितने साल दवा खाई आपने? मैंने सर कम से कम 2 साल दवा खाई है। अच्छा, और यहाँ जो आराम मिला, ऐसा आराम आपको पहले कभी दवा से कहीं कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। तो आपने यहाँ पे कितने दिन का इलाज कराया हमारे पास में? मैं अभी 2 दिन का कराया है। 2 दिन का इलाज कराया? कल हमने आपकी गर्दन और आपका अपर जो बैक है, धड़ है, उसको ठीक किया था जी सर। आज हमने आपकी बैक को ठीक किया है जी। तो दोनों ही केस में, दोनों में अच्छा आराम है? पैरों में कोई दर्द नहीं है फिलहाल? पैरों में अब दर्द नहीं है। और जो आपको चक्कर आ रहा था गर्दन को मोड़ने में या सीधा करने में, नीचे करने में? हाँ सर, कल से ही बंद है वो। बंद हो गए बिल्कुल भी? तो आपको काफ़ी अच्छा आराम है यहाँ आने के बाद में? हाँ सर, बिल्कुल आराम है। तो स्पाइन में काफ़ी डिस्फंक्शन हमें को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण पेशेंट को चक्कर आना, रीढ़ की हड्डी का जकड़ापन होना, पैरों में बहता हुआ दर्द होना, ये समस्याएं देखने को मिलती है। लाखन जी के केस के अंदर उनकी C1 बोन का डिस्फंक्शन था, C3-C4 बोन में डिस्फंक्शन था, अपर थोरेसिक T3 के अंदर भी इनको समस्या थी, लोअर हमने इनका सैक्रम और इनके लंबर स्पाइन को सेट किया, और उसके बाद में हमने इनको सभी एक्सरसाइजेस बताई हैं जो कि इनको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ध्यान रखिए, सिर्फ एडजस्टमेंट से पूरा ट्रीटमेंट नहीं होता, एडजस्टमेंट के बाद में रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करते हो, अपनी बॉडी की मोबिलिटी पे ध्यान रखते हो, उसके बाद ही आपको 100% रिजल्ट मिलता है। इनके केस में हमने एडजस्टमेंट सारे कर दिए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी इनको मिला है, लेकिन स्टिल जब तक ये प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगेन इनकी स्पाइन की स्टिफनेस होने के, डिस्फंक्शन होने के चांसेस वापस डेवलप हो सकते हैं। तो एडजस्टमेंट के बाद में एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, आप ये बात जरूर ध्यान रखें। अगर आपके कोई डिस्क की समस्या है तो आप भी हमारे सेंटर पर आ सकते हैं, जहां पर हम आपको इसका इलाज दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।